What's up YouTube, this is Yash, welcome back to my channel Wheel Wanderer. So, देख सकते हो आज राइड पे निकल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस नियर बाय पालघर. बेसिकली इज रोहित एंड उसने नई बाइक ली है, ड्यूक 250 एंड ही नेम्ड इट एज फाल्कन. फाल्कन मीट्स अधीरा. सो या निकलते हैं. अभी एक्चुअली बज रहा है 1:30 दोपहर के एंड यस, प्लान है हम लोग का, आज जा रहे हैं हम लोग सिंचन लेक. सो या मिलता हूँ आपको जल्दी आगे. ओ या गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं सिंचन लेक. सो बेसिकली इट्स लोकेटेड इन पालघर. ज़्यादा बड़ा राइड नहीं है, बस इधर पास में ही है. It's 40 kilometers from my location and it's showing 1 hour and 12 minutes. Whoa. Left ka signal chal raha hai. Chalo bhai. Wait a minute. So yeah, aap aage dekh sakte ho. बेसिकली मैं पहले सिंचन लेक जाके आया हूँ, बट मैं विंटर में गया था एंड या सोचा आज इधर ही ऐसे ही घूम के आते हैं. उसका भी पहले राइड है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है हम लोग को. सो शॉर्ट स्पिन संडे. सो या मिलता हूँ मैं आपको आगे. अभी ये बेसिकली यही सिटी वाला ट्रैफिक, फिर उसके बाद हाईवे कनेक्ट करके आगे जाना है हम लोग को पालघर साइड. सो या सी यू गाइस इन अ बिट. सो फाइनली, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार अंदर, बहुत ज़्यादा. एंड ये धूप, क्या कड़क धूप गिरा ना, पूरा ऐसा हेलमेट भी पूरा गर्म हो गया. हाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हाईवे, नेशनल हाईवे 48 एंड बस इधर से अभी ज़्यादा नहीं, 49 मिनट्स टू गो टू सिंचन लेक. हाँ मैं लीड कर रहा हूँ, मेरे पीछे ही जस्ट रोहित आ रहा है. उस बेसिकली वो थोड़ा, हम लोग आराम आराम से ही जा रहे हैं, उसकी भी पहली राइड है, ज़्यादा भगाना नहीं है वो भी. देखो चर्बी कम नहीं है, आगे आना ही है उसको. कंट्रोल कंट्रोल उदय. बढ़िया बाइक, बहुत सही लग रही है उसकी. एंड उसकी हाइट एक्चुअली छोटी है, तो उस हिसाब से उसके लिए ये बाइक परफेक्ट है, वन ऑफ द परफेक्ट. एंड एट द डिलीवरी टाइम भी मैंने चलाया था, आने के टाइम पे 250 इंजन, इट्स सुपर डुपर स्मूथ यार, सुपर डुपर स्मूथ. 390 है, अच्छा है नो डाउट, बट बहुत पेपी इंजन है. मतलब इनिशियल पिकअप बिकअप बहुत अच्छा है, बट वो 250 इंजन KTM के एकदम बटर स्मूथ, नेक्स्ट लेवल पे वो इंजन है. सो या सो फार एंजॉयिंग द राइड. वेदर भी है अच्छा खासा है, बारिश नहीं गिर रही वो एक अच्छा है, धूप है बट ज़्यादा ही कुछ धूप है. हाँ तो अभी कितना 5 किलोमीटर तक किधर भी टर्न नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट हाईवे. एंड आगे से एक लेफ्ट है, वो बेसिकली केलवा रोड है, उधर ही कनेक्ट हो जा रहा है. एंड वो रोड में ही थोड़ा केलवा बीच के पहले ही सिंचन लेक है. सो या वो बेसिकली एक लेक है, क्वाइट प्लेस है, एकदम शांत है, बट बहुत सीनिक लोकेशन है. मतलब फोटोज वीडियोस के लिए भी बहुत अच्छा जगह है वो. एंड वहाँ पे जाने के लिए एक छोटा सा घाट भी आता है. सो रोड भी अच्छा है, एकदम मस्त रोड है. सो यस गाइस, हम लोग ने हाईवे से राइट ले लिया. बेसिकली दिस इज केलवा रोड एंड या यहाँ से अभी और 19 किलोमीटर्स टू गो. एंड अभी रोड ऐसे ही पूरा सीनिक है, जस्ट लुक एट द रोड, द एंडुलेशंस देखो क्या सही है, पूरा रोड अभी ऐसे ही है.
सो वी आर गोइंग टू एंजॉय द रोड एंड बारिश के बाद अभी ये पूरा ग्रीनरी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी इधर ग्रीनरी तो रहता ही है बट बारिश की वजह से और भी सुंदर दिख रहा है ये। वी आर क्रॉसिंग वैतरना रिवर नाउ। वैतरना रिवर के ऊपर से जो ब्रिज है वो ये रोड पे आता है। सही व्यू है। बहुत सही। और पानी बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेम्बर कि मैं जब भी ठंडी में आया था तभी इतना पानी नहीं था। जस्ट लुक एट दिस गाइस, क्या सही लग रहा है दोनों भी बाइक्स, बहुत सही। Just looking like a wow. And location तो ये तो ultimate है। बहुत सही लग रहा है ये। यही चल रहा है और इधर वैसे ही वीडियो फोटो के लिए रुक गए थे। बस अभी इधर ज़्यादा दूर नहीं है, इधर से 15 minutes, that's it. And ये वैतरना रिवर आ जाती है बीच में। बस चलो फोटो वीडियो थोड़े बहुत लेते और निकलते यहाँ से फटफट। वहाँ से निकल गए हम लोग एंड अभी ये देख सकते हो छोटा मोटा घाट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जो फर्स्ट टर्न ही है वही सबसे खतरनाक टर्न है, क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं पहली बार आया था, ओ माय गॉड, तब भी ऑलमोस्ट मैंने बाइक गिरा दी थी, ऑलमोस्ट। सो या अभी मुझे पता है कि किधर टर्न है, कैसा टर्न है, क्या है, तो उस हिसाब से मैं स्लो कर दूंगा। और मैंने रोहित को भी बता दिया कि भाई एकदम स्लो कर दे, क्योंकि वो एक ही टर्न है जो बहुत खतरनाक है। सो या घाट स्टार्टेड। एंड कैसे ना, ये एक स्पीड रहता है और स्पीड के बाद वो अचानक से टर्न आ जाता है, तो नहीं समझ में आ जाता वो टर्न। देखो अभी है वो टर्न, अभी आएगा, ये जो आगे का जो टर्न है ना वही है, बहुत खतरनाक टर्न है ये। ये देखो सीधा ऊपर जाता है, सीधा ऊपर, और उसमें अगर साइड से डाल दिया और साइड में गाड़ी रही तो खत्म है बस। बाकी अभी कुछ नहीं, अभी नॉर्मल अपना यू हेयर पिन बेंड्स है बट इतने नहीं। ओ बंदर, वाह इधर बंदर लोग भी है, सही है। ट्विस्टीज बेबी। अभी हम लोग ने केलवा मेन जो रोड था वो छोड़ दिया है एंड अंदर एक राइट है टूवर्ड्स द लेक, वो मार लिया। और ऐसे ही अभी ये नॉर्मल गांव वाला रोड वैसा ही है। घाट ख़त्म होने के बाद तुरंत आगे से ही एक राइट टर्न है, तुरंत है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस घाट एंड होने के टाइम पे ये आ जाता है। एंड इधर से कुछ नहीं, बस 1.5 किलोमीटर, दैट्स इट। ब्यूटीफुल एडवेंचर भाई साहब, बहुत फिसल रहा है। रोहित बाबा हम लोग क्या आराम से आ रहे हैं। ये भी पूरा हिल गया मेरा। मस्त रोड है। क्या छोटे छोटे घर से, लेक लेक लेक, ओ भाई यो इतने इतने सारे ट्रैवलर,
ये भी ऑफ बीट प्लेस था, अभी खत्म हो गया आई गेस। सबको पता चल गया कि यहाँ पे लेक है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओ भाई साहब, ये है हमारा लेक, सिंचन लेक। साला तभी बहुत मस्त था, फिर बहुत वो ये लग रहा है। रुक मैं जाके देखता हूँ पहले। चलो ये रोड पे जाके देखते हैं अपन कैसा है। अच्छा क्या बोला तूने? सॉरी। बहुत स्लिपरी है ये तो। वो 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 ट्रेल्स ही ट्रेल्स है, चलो कुछ नहीं। वो अच्छा है वैसे तो। इसको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा आई गेस, ये पूरा नरम मिट्टी है। टायर मार्क्स देखो यार, ये खतरनाक आ गए। आराम से आ, फर्स्ट गियर पे डाल। वो यही तो मजे है बॉस। सही है यार, क्या शांति है इधर। फिलहाल सो यस गाइस, अभी हम लोग यहाँ से बस निकल रहे हैं। ये ब्यूटीफुल लोकेशन को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एंड टाइम हो रहा है, इट्स 3:44 PM। एंड दोपहर से हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया है, तो पहले तो इधर रुक के कुछ तो देखते हैं खाने के लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। सो या देन लेट्स सी अभी आगे का प्लान क्या है। बेसिकली मुझे जल्दी निकलना है घर पे। सो देखते हैं। एक्चुअली पहले प्लान था कि इधर से केलवा जाए, बट देखते पहले खाने के लिए रुकते, फिर उधर से देखते हैं कि कितना दूर है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते। सो या गाइस, बस इधर श्रीमंत मराठा बेकरी होटल था, उधर रुक के पाव भाजी खाया, अच्छा था। एंड नाउ राइट नाउ द टाइम इज़ 4:23 PM। एंड हम लोग ने वही सोचा कि टाइम है हम लोग के पास, सो वी विल हेड टूवर्ड्स केलवा बीच। लेट्स सी, जाके देखते हैं हाउ इज़ इट। एंड या रोड बस इधर से स्ट्रेट आगे ही है, वैसे भी हम लोग केलवा रोड में ही थे, सो बस थोड़ा और आगे 13 kilometers एंड 25 minutes इंक्लूडिंग द ट्रैफिक। सो या प्रीटी गुड, वी कैन रीच। एंड जाते समय फिर नॉन स्टॉप घर पे चले जाएंगे। बस एक ही टेंशन है, विरार में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, बिकॉज टुडे इज संडे, सब लोग बाहर निकलेंगे, सो वो तो होना ही है, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। हाँ, अभी फटफट पहुँचते हैं केलवा बीच पे। लेट्स सी सनसेट मिलता है या नहीं। ऑफ कोर्स मिल जाएगा आई गेस, बट द वेदर इज क्लाउडी, सो डोंट नो। एंड इधर ही ट्रैफिक लगना चालू, सामने है केलवा स्टेशन। देयर वी गो।
केरवा स्टेशन। चलो इसको क्रॉस करते हैं एंड फटफट पहुंचते हैं। वी रीच। एक्चुअली क्या सीन हुआ पता है कि हम लोग एक्चुअली गए थे आगे, बट उधर ऐसा है कि वो केलवा बीच के बाहर ही बाइक्स लगाने को है एंड आई वॉन्टेड टू टेक माई बाइक ऑन द बीच। सो यस, आ गए हम लोग इधर। एटलीस्ट इतना तो सही है, उधर मतलब पकड़ लो आप बहुत बाहर बाइक्स लगाने थे एंड उसके बाद आगे जाके बीच था। सो दिस इज व्हाट केलवा बीच। ये कुछ है नज़ारे यहाँ के, पूरा शांत है यहाँ पे, तो शांत है बट मैं बता दूँ आपको, वो देखो वो है मेन केलवा बीच एंड वहाँ पे रज देखो भाई साहब। सो यही, इसी से ही बचने के लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया एंड आ गए ये लोकेशन पे। बहुत सही है, ये इधर है छोटे छोटे बच्चे लोग पता नहीं क्या कर रहे। हाँ बाइक्स वहाँ पे पार्क किया हम लोग ने एंड या बस थोड़ा टाइम स्पेंड करते और निकलते हैं यहाँ से। सो यस गाइस, अभी जस्ट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया हम लोग ने और निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। घर का टाइम बता रहा है 1 hour and 41 minutes एंड 62 किलोमीटर्स है यहाँ से। सो वही प्लान है कि हम लोग नॉन स्टॉप कर लेंगे एंड ये इधर कुछ छोटे बच्चे मिले थे ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं ये लोग। क्या है तुझा नाव? क्या भूपेंद्र जोगी। क्या है दक्षिणी तुझा? सौम्य। चल टाटा। सो यस निकलते यहाँ से फटफट, पहुँचते घर पे। मेरे को भी थोड़ा अर्जेंटली बाहर जाना पड़ रहा है। सो यस मिलता हूँ अभी आपको डायरेक्टली आगे। कुछ बताने के लिए रहा तो ही कैमरा ऑन करूँगा क्योंकि नॉन स्टॉप करते हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। हाईवे से हम लोग ने विरार फतेह का जो राइड है वो ले लिया एंड नाउ गोइंग टूवर्ड्स होम। टाइम इज 6:02, स्टिल 9.6 किलोमीटर्स स्टिल मैं होम एंड टाइम इज 28 minutes। 9 किलोमीटर्स करने के लिए 28 minutes बता रहा है। मीन्स आप सोच सकते हो कि कितना ट्रैफिक मिलने वाला है आगे। सो द राइड वॉज सो अमेजिंग। आने के टाइम पे तो जो हम दोनों ने भी जो भगा है, भगा इन द सेंस नॉट इन दैट वे भगा है, बट या डिसेंट स्पीड पे अच्छे से क्रूज कर रहे थे दोनों भी, अच्छे से कर रहे थे। मतलब ऐसे नहीं कि मैं आगे निकल जा रहा हूँ वो पीछे, नो वी आर ऑन अ सेम पेस बोथ ऑफ अस एंड या बहुत अच्छा रूट था, सीनिक रोड है। You guys should try it once. And केलवा बीच वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, hardly 25 minutes पे था। So yeah, it was good experience. And now let's go home. Almost reach home. So I will end this video now only. So thanks for watching the video. And any reason you like this video, please give it a like. Thanks for watching. This is Yash signing off. Bye bye.